इस तरीके से हमारी इज्जत दांव पे लगा रहे हो तुम? नहीं नहीं देखो बेटा, आज अगर ये शादी नहीं हुई ना तो पूरे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा मत करो बेटे। आज ये शादी क्या हो गया? पापा क्या हो गया आपको? अब ठीक तो है? जसिंदर ने शादी से मना कर दिया। पृथ्वी डॉक्टर को फोन करो। जी पापा। सिद्धार्थ अरे पानी लाओ जल्दी। सिद्धार्थ ऐसा नहीं कर सकता, इनफैक्ट वो ऐसा बोल ही नहीं सकता। मैं नहीं मानती, जब तक मैं उसे कुछ नहीं कहती मैं नहीं मानती। मैं सिद्धार्थ से मिलने जा रही हूँ। गौरी, गौरी शांत हो जा बेटा, मत रो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा बेटा। बाबा डॉक्टर आ रहे हैं। पृथ्वी मैं यहाँ संभालूंगा, आप आदित्य के साथ अभी के अभी सिद्धार्थ के पास जाओ, पता करो बात क्या है। जी बाबा। जाओ जल्दी, मैं हूँ यहाँ पे, जाओ। जी बाबा। मैं भी जाऊंगी। नहीं मामा। क्या सोचा था और क्या हो गया? आज जरा सी भी गड़बड़ हो जाती ना तो आप कभी नहीं कह पाती कि नावाची आसावरी ने, मूर्ख। हेलो, गौरी घर से निकल चुकी है वहां आने के लिए। पता है ना आपको क्या करना है? अब आप करो या मरो। आज हमारी बाजी का आखिरी दांव, और दांव पे लगी है गौरी भोसले। गौरी, गौरी की शादी, हमारी इज्जत, जाओ कोई उस लड़की को बनाओ, ये शादी ना टूटे। अप्पा साहब आप शांत हो जाइए। शांत कैसे हो जाऊं, गौरी की शादी, हमारी इज्जत। इतनी हाय हाय मत कर बुड्ढे, मत कर इतनी ओवर एक्टिंग, नहीं तो सच में हार्ट अटैक आ जाएगा। डॉक्टर साहब आप इन्हें सुला दीजिए। मेरा मतलब है कि इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दीजिए, इन्हें आराम मिल जाएगा। एक हार्ट पेशेंट को नींद का इंजेक्शन? नहीं नहीं नहीं, हमें नींद का इंजेक्शन नहीं चाहिए, हमें जगाते रहो, हमें जीना है। हमारे डॉक्टर साहब, हमारे पोती के भविष्य का सवाल है। अप्पा साहब आप प्लीज आराम कीजिए। नहीं गौरी। अप्पा साहब आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप शांत हो जाइए प्लीज। आप सब लोग प्लीज बाहर जाइए, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। गौरी, गौरी रिसेप्शनिस्ट ने बताया ना कि सिद्धार्थ और पैम बुआ कल इस होटल से चेकआउट करके निकल गए।
तुमने खुद खुद होटल के रिकॉर्ड चेक किए। गौरी यहां कोई नहीं। सिद्धार्थ ऐसे कैसे जा सकता है? वो मुझे बताए बिना कुछ नहीं करता। और शादी का इतना बड़ा फैसला, नहीं कुछ तो हुआ है सिद्धार्थ के साथ। हाँ सिद्धार्थ के साथ कुछ तो हुआ। गौरी चलो यहाँ से। वो लोग यहाँ से चले गए। गौरी भाई चलिए यहाँ से, भाई प्लीज चलिए यहाँ से, चलिए। गौरी संभालो अपने आप को, संभालो गौरी। चलो गौरी चलो यहां से। गौरी पता नहीं वहां पप्पा साहब का क्या हाल होगा। चलो गौरी चलिए तो चलिए। अब कैसे तबीयत है अब्बा साहब की? आप लोग प्लीज वहां जाके भीड़ मत लगाइए, उन्हें आराम करने दीजिए। डॉक्टर अब्बा साहब को हुआ क्या है? माइल्ड हार्ट अटैक आया था। शायद उन्हें किसी बात का बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। हमने ट्रीटमेंट कर दिया है। आप लोग प्लीज उनके सामने ऐसी कोई बात मत कीजिए जो उन्हें बुरी लगे या जिसे करने के लिए उनका मन राजी ना हो। ऐसा दो बार हो चुका है। अब किसी भी बात से थोड़ा सा भी स्ट्रेस हुआ तो तीसरा अटैक आने से उनकी जान जा सकती है। मैं चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कीजिए। पता नहीं अब क्या होगा। सच्ची कहा है, परदेसियों से दिल ना लगाना। एक तो गौरी के दिल से खेलकर वो परदेसी भाग गए, दूसरा गौरी का दिल टूट गया, तीसरा उस टूटे हुए दिल ने पूरे बौर्स पे परिवार को तोड़ दिया, चौथा अप्पा साहब को दिल का दौरा पड़ गया। एक दिल सौ अफसाने। आसावरी कम से कम आज के दिन तो अपनी ये कड़वी जुबान बंद रखिए। हाँ अत्याबाई, आज का दिन ना गौरी यहाँ आती और ना ही आज का दिन देखना पड़ता। आसावरी बोली अत्याबाई, और क्या बोले हम? गौरी गौरी क्या हुआ, तू मिली सिद्धार्थ से? कहाँ है वो? कुछ बोलती क्यों नहीं? गौरी 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 बोल ना। सिद्धार्थ नहीं आई। गौरी कोई कुछ बताएगा।
हम बताते हैं, होटल में कोई नहीं था, वो लोग कल ही वहां से निकल गए। गौरी तू मत रो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है, सिद्धार्थ आएगा, कुछ बात हुई होगी, कुछ बहुत बड़ी बात हो गई होगी, इसलिए वो शायद, तू रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। भाई मेरा सिद्धार्थ, मम्मा मेरा सिद्धार्थ कहाँ गया? भाग गया। उफ उफ मिर्ची, भाग गया धोखा देके सिद्धार्थ। नहीं, मेरा सिद्धार्थ ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा ही कर चुका है गौरी। दिल तो टूट ही गया है तुम्हारा, अपना भ्रम भी तोड़ दो। उड़ गया परदेसी पंछी और जाते जाते मीठा दर्द छोड़ गया है। उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। ये सगाई की अंगूठी, सगाई तो तोड़ दी उसने, शादी क्या करेगा? आशा भरी, आप चुप भी बैठेगी? ठीक है आजी साहब, हम आपकी आज्ञा से चुप भी हो जाएंगे, घर के हैं। लेकिन बाहर वाले, उन्हें क्या कहेंगे आप? क्या जवाब देंगे उन्हें कि दुल्हन की शर्त थी कि शादी के बाद वो आई के साथ यहाँ कोल्हापुर में रहेगी, इसलिए दूल्हा भाग गया? नहीं, मेरा सिद्धार्थ ऐसा कर ही नहीं सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं भाग सकता, मुझे पूरा विश्वास है उसके ऊपर। उसके साथ कुछ तो हुआ है, किसी ने उसके साथ कुछ तो जरूर किया है। हाँ, मैं ढूंढूंगी अपने सिद्धार्थ को, पूरे कोल्हापुर में उसे ढूंढूंगी, मैं अपने सिद्धार्थ को वापस लाऊंगी। आए, हाँ तो सब ठीक चल रहा था, अगर ये लड़की जासूसी करने बाहर निकली तो पूरा पासा ही पलट जाएगा। अप्पा साहेब, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।